बसंत ओझा हमारे बीकानेर के जाए जन्मे वो शानदार कलाकार हैं जो नाक से बांसुरी बजाते हैं। हिंदुस्तान में शायद ही ऐसे कलाकार हैं जो इस महारथ में सिद्ध हस्त हैं। बसंत ओझा अपनी पहली प्रस्तुति लेकर आपके सामने बांसुरी वादन और वो भी नाक से। श्री बसंत ओझा। दोस्तों अब अगले फनकार जो आपकी नजर हम कर रहे हैं वो है रविंद्र सिंह। सीकर से पधारे हैं, जयपुर में विराजते हैं। आप म्यूजिक में एमए हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से और स्कॉलर हैं गजल्स में फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं बीकानेर के गुलाम हुसैन। न जाने कितने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपने तबला बजाया है और संगीत को वो ऊंचा मुकाम दिलवाया है गुलाम हुसैन साहब ने कि हर व्यक्ति इनका मुरीद हो जाता है। हारमोनियम पर आपके साथ हैं बीकानेर के ही पुखराज जी शर्मा। संगीत वाद्य और यही साधना है जो संगीत को सिरमौर बनाती है। रविंद्र सिंह गजल गाएंगे। 5 वर्षों का लंबा अनुभव इनके साथ में है। इज अ पोस्ट ग्रेजुएट इन म्यूजिक फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर लेडीज एंड जेंटलमैन एंड अ स्कॉलर इन गजल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड अलोंग विद हिम तबला गुलाम हुसैन और हारमोनियम पर पुखराजी शर्मा। कुछ शेर पेश है। दिल में महबूब का घर हो, दिल में महबूब का घर हो तो गजल होती है। दिल में महबूब का घर हो तो गजल होती है। रूबरू जाने नजर हो तो गजल होती है। दोस्तों आप वो कार्यक्रम आपकी नजर है। आप इस सभागार में जहां कहीं पर भी दूर दूर हैं, मेरी गुजारिश है कि मंच के सामने पधार करके अपना स्थान ग्रहण करें।
पूरे राजस्थान में अपनी कॉमेडी से सबको मंत्रमुग्ध कर देने वाले, कॉमेडी के क्षेत्र का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित नाम, सोशल मीडिया पर जिसके 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर्स हैं, राजस्थानी की कॉमेडी के जनक जिन्हें कहा जाता है, वर्सेटाइल एंड मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी, लेडीज एंड जेंटलमैन, इनकी वजह से राजस्थानी को राजस्थान से बाहर और विदेशों में सुना जाता है, राजस्थानी भाषा को एक ऊंचे मुकाम तक लाने में, राजस्थानी के क्षेत्र में कॉमेडी को स्थापित करने में जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा झोंका, शुरुआती संघर्ष किया और आज कॉमेडी के पूरे राजस्थान में बेताज बादशाह के रूप में जिन्हें हम जानते हैं, आज बीकानेर के इस मंच से आपको हंसाने, आपको गुदगुदाने, आपको कॉमेडी से सरोबार करने के लिए आ रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करिए श्री मुरारी लाल पारीक। खेड़ते हैं बैठे हैं लोग तो दादा दादी की नोक सगड़ा ना, राम राम भाई ना धानी की और कहना तो कह दो बताए, राम राम भाई होली का सगड़ा ने होली का की दिहाड़ी का और गई थी की दिहाड़ी का सब होशियार होने ते बीकानेर वाला वो होशियार के थे वो डेढ़ होशियार है आज ना ये बैठे हो भाई चेक करो। अबे मैं कटे कटे जावानी जना कई वीआईपी लोग बैठे रहे आगे पिसाना आज वो देवर को नहीं आयो नहीं होली को टाइम है आज जी से होला बड़े जवान आगे आगे वीआईपी बैठे रहे हंसाने की घनी कोशिश करा अपन हंसे नहीं यहाँ लगे है कि ना ये दादी सगा अपना मुकाबलो है आप हंसा को नहीं ये एक प्रोग्राम में गई मैं जना आगे बैठा एक भाई साहब पिछाला गणी बड़ी बात कही गणाई लोग हंसा पर बे राम का बंदा हंसा नहीं मैं कहो क्या बात भाई जी समझ में कौन आई है जना भाई जी के समझ में कौन आई है शाही आ तो समझ में आई तो मुंह फलको सो करे बैठा ऐसा तो कौन नहीं थे मैं पिसाला लोग हाँ लारे 5 आदमी बठान रखे बहसन लाग रहे हैं देखे मैं कहो ठीक है भाई बाद में एक मैं गीत टोरियो चोखो घोड़लियो गायो मैं पर वो तो राम को बंदो मुंह रावण को शुक्र इन्हें बैठो रहे हो मैं कहो के बात भाई जो गीत ऊपर कर गए होगे क्यों गयो सो समझो तो मैं कहो के बात ना कोई ताली ना कोई पटको ना कोई शाबाशी अरे मैं पिछड़ा लोग हाँ वीआईपी हाँ 5 आदमी लारे बैठान रखे भाई ताली पटकार सो की करे आ बात है वो प्रोग्राम तो निबड़ गयो मेरे तो ब्यास हो मैं जाने काम एक घर में गई इसको बैठे ब्याह उन लाग रहे वहां वीआईपी भाई जी कोई फेरा चादर लाग रहा माई अरे भाई भाई जी फिरे बारे में कहो के बात भाई जी थर तो फेरा है थे बारे क्या फिरो कमे वीआईपी आदमी हाँ आदमी राग रह क्यों है तो मिया थर में कोई वीआईपी तो कोनी है नी आगे वीआईपी भी बैठे दिखे मैंने मुंह फलको सो करे ले जो करे बाद में कैसो देखो देखो बड़ी सारी बात आई को हिस्सा को ताड़िया बता दिया करो के हाथ का मार जुड़े थरे ताड़ी बजाण में कंजूसी ना करे जे अब ताड़ी नहीं बताई है तो आगले दिन में बजानी पड़े ली यहाँ कर करके हाँ अब देखो हैसी की बात यहाँ है के कई तो हंसा से लगावे यहाँ अब बाने तो ऐसी आवे को नहीं करने मेरे पर की खड़ी रह पा ऐसे इसकी मर्जी है तो हंसने को मौको जठे ही मिले नहीं हंस लिया करो
थे देखो बड़ी सारी कोई 5-6 मीटर लंबी बात आसी जना हैसिया बात आवई कौन थे मुंह ईशो रावण को सुधे घरे उड़ जाओ तो वही फंडो आपने जिंदगी को है ओ क्या है तमिल बाने की है दादी राम राम है। राम राम बेटा राम राम क्या दादी किया तो क्या बा मर भैंस ही नहीं बा बीमार हो रही है के बताऊं बेटा भैंस चंगी बीमारी चल रही है मारे हुई भैंस बीमार है फिर कह दियो दादी मैं के कह दियो मैं तो 1 लीटर किरासड़ी तेल पायो भी ने हां ठीक है दादी अरे अरे सुन तो शुरू हां ठीक है ठीक है अरे देखी बस बस ले बेटा आज जो भी है हंसनेगा भी कई प्रकार हुए अब कई तो ऐसे नहीं नहीं लगे कि परी बहुत बड़ो एहसान कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा बांटे प्रसाद अड़ जाए ले लियो अरे कई हंसना ढाई गोपड़े कुण है मुंह पाछो रावण को सो विषय अरे कई ऐसे नहीं ना खाली फे निकले गया बोल गया मोरिया और कई हैसण यहां लगे वो तो स्टार्ट हो जासी अब एकली एकली बोले था अरे इकट्ठा रह गया लोग गड्डी कर लाग रहे हैं कड़ा लोग करने लगी अरे के बताऊं मैं को डेंटी है कि सवल धोती को नहीं दिन गए पहली रेडियो वे जो लाग की बजन ने इया कोनी पब्लिक रे ठा कोनी के दादो ला रहे धोती बनन लाग रही है ये तो के धोती बनो इतनी देर में लोग टेंट बांध ले जाम बांध दे जाम के है के कही तू ए मैं यहां कही आज मेरो बारे खाने को जी करे हां तो चाल बारे गदीड़ खा ले बेटे ना गदीड़ क्यों खा लियो खा लिया गदीड़ मेरे मायता है नी मन तोरी बहुत पड़ी तेरे मायता दोरी पाली तन्ने पालनो और हाथी ने पालनो एक बराबर है मैं मेरे मायता में लाटे सिर बहुत गणी मैं परनीज गई नी जना से मेरी मां रोई है फूट फूट के रोई मैं जाके समझाई मैं क्यों मां तू क्यों रोवे रोसी मैं जका लेजे जका हाँ तेरी मां तो एक कर रो के बंद हैगी मैं आज ताई रो तो फिरन लाग रही हूँ आओ ठंडा है गे मेरा जिका फेरा करया नी बिन पिंडत ने मेरे बाप 1.5 लाख रुपए दिन्या अच्छा वो पिंड जीव तो है गे उस टाइम देख यूं कोनी हो तेरा फेरा कराना बहुत गणा दोरा सगला पंडित नट गया वो एक ही पंडित तो जिका फेरा कराया ताकि दिन्या क्यों कोनिया आओ आ कोनी ना दोरा ए ओड़ पंचोली बाता थरकन्या कितनी करा लियो बलाई ठंडा है कि भी राम यहाँ की बीनड़ी है नी ओल मदेर गई काल थारो अरे तो मैं कू तू ओल मो लियो ही क्यों तू मेरी माँ हैंगे ए रहना पड़े थारा के रड़ा है जिका मन्नी ओटना पड़े पड़े ओटना जनो जनो ओल मदेर आवे थारो अब आर कुणी कुणी आतो उसी ओल मो लेरे ए ओल मो लेर आवे तो कह दे आज ओल मो लिया कोनी ओल मारी पोथी है नी जकी छली जकी प्रोग्राम के बीच में के पिंडिया लेन आई आई अरे दादी पिंडिया कोनी आशीर्वाद लेन आई हूँ आशीर्वाद के रीट वाली परीक्षा देनी आज आशीर्वाद लेन आई है अरे रीट वाली परीक्षा को नी मैंने कोई कियो के नी बली लुगाई रो आशीर्वाद लेवे नी जन घी बोलो अवे यांगे कुठे ते दुगाई ढूंढी है कोई डोल की लुगाई कन जाती सुको की मिल तो अठा किस्सा आशीर्वाद पड़या है बेटा इंगो तो दिन गावे नी ओळ मा सुन सुन गे नी जो दिमाग खराब होड़वे हां तू आपने चालू राख चोखी चोखी बातें कह नी दादी ते कितना भला हो है कितना छोका है आज तक है पूरा गांव में थान तो ऊंचो बोलड़ कौन सुने ए बोलो ही कोनी बेटा मैं ऊंचले सुर लगाऊं ही कोनी कदी सब बार गुलाम अली जे भाई लगायो मैं ऊंचले सुर को लगाऊं कदी ठीक है दादी थे तो एक अवतार हो ही धरती पर हे भगवान के कह लाग रही है मेरे तो सुनी थी कोनी मरो रे मरी लिया तने आ तू चल तू राख बेटा हमको आशीर्वाद मिल जानी तो मैं तो ज्ञान जीऊं दादी जा बेटा
आशीर्वाद ये अन्नधन का भंडार बढ़ा रहे सिंध राजा। तू बहुत चौकी है, तू चौकी नहीं जातन सगड़ा चौखा लगे तेरे बाप हिरियन जानू मैं। बहुत बलो आदमी है, थोड़े मस्ती करे है, बहुत बलो आदमी बहुत है तेरे बाप। अरे तेरी माँ नहीं जानू मैं चौकी त्रिया लाणी कौन तू सारा दिन हांडती फिर जानी तू लाणी तो कष्ट कर कर गए पटाओ ठंडा है गे अन घर का सगड़ा कष्ट कर गए बर्तन मार मारे घरे पटाओ। अरे इंगा भाई आ भाई जे अच्छा सगड़ा पुलिस वाला जाने सगड़ा राज वाला जाने तेरे भाई ने। हाँ ठीक है दादी खमा गणी जाऊं। हाँ जा बेटा आ जा। दादी हाँ बेटा एक बात पूछूं। हाँ पूछ ले बेटा एक क्यों दस पूछे। दादी थारिया नाक लंबी रिया मटका जी भी किया है। देखिए तू आशीर्वाद लेना या नहीं वो आशीर्वाद खराब हो जाए चुपचाप जानती रहे अपने स्टेज के नीचे और सबको गाल दो ना। दादी मैं तो पूछूं थारो ये नाक ये इंडिकेटर आल दी ये लम्बो लम्बो ये ए रेल दे मेरा नाक ने तू रेल दे जानू मैं तन ठावड़ी ने तेरा बाप नहीं जानू मैं। वो तेरा बाप है नीज को एक नंबर को दारू खोरियो है सारो दिन गली का माई पड़ो रहे है तेरी माँ नहीं जानू मैं। चोरी करी घर के लोग आगे सगड़ा का चोरी करी किसा बर्तन मांजती चोरी करन जाती है बैठे मांजती बर्तन सुनन दे पब्लिक सुना नहीं को तो अरे तेरे भाया नहीं जानू मैं चोरी करे बन पकड़ पकड़ी पुलिस ले जा कूटे जना जाने तेरे भाया ने। दादी मैं तो थारो गांव की ठीक है माफ कर दे मैंने तुझको मैं बोल दिया थाने थे ना नाक के बारे में पूछा दादी को घणो ही नाक है जाए कौन जाए तू। अरे सुन आशीर्वाद की कम पीड़े नहीं तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दे आशीर्वाद लेने इकन तो मैं क्यों बंटा है नाक नाक तो भगवान को दिया है मैं क्या करूँ तो मैं क्या बेटा तू क्या आ गई क्या की मैं ओल्ड मो ले रही हूँ। अरे ऐसा ओल्ड मो ले रही हमें बीकानेर रसगुल्ला तो कोई लावे को नहीं। तुम्हारी बात सुन की दादन सावर समझार कौन राखी जगह था रहा ए मारू तो को रखी जाए दादन तू राख ले जा बात बताऊंगा काई कर रही है पोड़ी रुपया 20,000 की तोड़ रही है भी पर हिंडी इंडर के तोड़ रहे है पोड़ी। हाँ के बताऊं डैड कुछ मत ही मरे मैं नहीं छोटो नहीं जब ही पोड़ी पर ये हिंड तो फुट हो गया नहीं जब बोलो है बोलो क्या को बोलो है के तो रुपया 20,000 पाछा दियो और के पोड़ी दूसरी लगवा दियो। अरे क्या ये पोड़ी दूसरी लगवा दियो बोलो है बोलो बेटा बोलो की बोलो कोनी इतो बोलो जना आपके घर की क्यों कौन तोड़े इतो बड़ो थोड़ी है तो है। आ तो शोक लाकर जानती रही आज ठीक है बेटा आत्मा बन के उठ जा अपने बुने ने उन्हें लोग आशी आशी और आशी आ गई आत्मा बन गया ऐसा कहा मैंने आ क्या हो बेटा बाकी दुआई बताई भैंस तो मर गई। आ तो बेटा मेरे लिए मर गई सुनी कठे तो मैं तो कह हो तेने दुआई बताओ तो मेरे लिए मुर्गी अब उग्या वा लेकर आ जाओ सगड़ा उन आ जाओ आपने उन आ जाओ राम रमी कर लिया सगड़ा जानता जानता दादी आ आ आ आ आ घुंगड़ी उन आ जाओ आ जाओ लड़े आ जाओ थई आ जाओ बस इतो यो निवड़ गयो तो की समझ में आई है तो राम राम होएगा सगड़ा ने 15 मिनट दिया मैं तो खेच कांतर की 20-25 मिनट कर दिया मैं तालीस बजा दो के पीछा लागे जरा फौजी तो बजा दो नहीं तो अगले दिन में फिर संताई है। राम राम खम्मा गणी होलिया गणगणी शुभकामनाएं धन्यवाद। 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर हैं डिफरेंट चैनल्स पर 4 चैनल हैं यूट्यूब पर इंस्टाग्राम फेसबुक मेहनत टैलेंट और अपने पुरुषार्थ से यहां तक ये दादा दादी की नोक झोंक मुरारीलाल पारीक महेश कुमार पारीक सचनी पारीक और श्रीजना पारीक। फ्रेंड्स द नेक्स्ट परफॉर्मेंस श्री महेश राम मेघवाल राजस्थान की वो धरा है जहां टैलेंट कूट कूट करके भरा है शहरी परिवेश हो ग्रामीण परिवेश हो सांस्कृतिक तौर पर राजस्थान का यह हिस्सा बेहद समृद्ध और उन्नत है। बात चाहे ख्यालों की हो बोलियों की हो रम्मतों की हो भजनों की हो
आप हर जगह पर ऐसे बेहतरीन कलाकारों से रूबरू होते रहते हैं। श्री महेश राम मेघवाल अपने पूरे ग्रुप के साथ में हैं। आपकी नजर करेंगे एक भजन पार्टी गांव खानू वाली तहसील घड़साना। 5 वर्ष समाज सेवी संस्था उसमें काम किया चूरू में। युवा महोत्सव 2011 में राजस्थान की टीम का नेतृत्व किया। 16वां महोत्सव उदयपुर में 20 लाख बच्चों को तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत श्री गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू बीकानेर तथा राजस्थान में अलग अलग हिस्सों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूक करने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई। जल चेतना यात्रा में 1 माह तक जल बचाओ कार्यक्रम, नियाज हसन इस पार्टी के साथ में है और स्वचेतना यात्रा में 1 माह तक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं और यही हमारे राजस्थान की खूबसूरती है। हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए संगीत और लोक कलाओं के अलग अलग क्षेत्रों में मेहनत करके अपने प्रदेश की इस गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर को संजो करके रखते हैं। लियाकत अली एंड पार्टी जो कि खानू वाली से हैं, तहसील घड़साना में, संगीत तो है ही साथ ही साथ सामाजिक चेतना और सामाजिक सरोकारों के विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी बेहतरीन जिम्मेदारी का निर्वहन सदैव करते रहे हैं। फिर चाहे वो टीबी को लेकर के जन जागरूकता कार्यक्रम किया हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम किए हों, अलग अलग अंचलों में अलग अलग क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान में लोगों को जागरूक बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में शिरकत करने के साथ साथ आज लियाकत अली एंड पार्टी आपके समक्ष है विद देयर म्यूजिकल मेलोडी। So just hang on to your hat and get ready for something very beautiful and melodious coming to your way, ladies and gentlemen. देशभक्ति शेर आपके नजर कर रहा हूं, गौर फरमाइएगा। यह है जादू राजस्थान की संस्कृति का, यह है जादू राजस्थान की मिट्टी का। यहां की सौंधी खुशबू,
यहाँ का म्यूजिक, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की मेहमान नवाजी, वो दिल फरेब जायका और लोगों के साथ अपने आप को जोड़ के रखने की वो विधा जो राजस्थान को सारे हिंदुस्तान में एक अलग मुकाम पर लेकर के आती है। अगले कलाकार जिन्हें आपकी नजर हम करना चाहते हैं वो हैं श्री महेश राम मेघवाल। राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में आज भी लोक संस्कृति बेहद सशक्त तरीके से विद्यमान है, फिर चाहे वो लोक गायन हो, फिर चाहे वो ख्याल हो, फिर चाहे वो भजन हो, आज भी राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में ईश्वर की आराधना भजन के माध्यम से करना एक सशक्त माध्यम है, संगीत के माध्यम से ईश्वर की आराधना का। और श्री महेश राम मेघवाल ऐसे ही एक साधक हैं जो राजस्थान के ग्रामीण अंचल से सांस्कृतिक खूबसूरती लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। हर माइक तैयार होता है, हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तैयार होता है, इट टेक्स अ लिटिल बिट टाइम एंड वी कैन नेवर फॉरगेट दीज आर द पीपल हु आर द एम्बेसडर्स। आज अगर राजस्थान की सांस्कृतिक छटा सारी दुनिया में जानी जाती है, संगीत और संस्कृति राजस्थान की सिरमौर बनती जा रही है, यही योद्धा हैं जो इस सांस्कृतिक विरासत को संभाल करके रखे हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए श्री महेश राम मेघवाल के लिए जो अपनी भजन की प्रस्तुति आपके समक्ष लेकर के आए हैं। आप इनके वाद्य यंत्रों को देखें, आप इनके पहनावे को देखें, द वे दे कैरी देमसेल्व्स, और यही वो राजस्थानियत है जो जब तक जिंदा है हमारी पहचान मुकम्मल है। शिखर तक जाना और राजस्थानी संस्कृति को, परिवेश को, पगड़ी को, परिधानों को, राजस्थानी खाबों को जिंदा रखना, वो देश खत्म हो गए जिन्होंने तरक्की की और अपनी सांस्कृतिक जड़ों को खत्म कर दिया। तरक्की सही मायनों में वो है जहां व्यक्ति तरक्की के शिखर पर बैठ करके अपनी संस्कृति को जिंदा रखे। और हमें गर्व है कि हमारे राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में लोक कलाकार हमारी संस्कृति को न सिर्फ जिंदा रखे हुए हैं, उसका संरक्षण और संवर्धन भी कर रहे हैं। और आज इन्हीं के इन बेहतरीन प्रयासों की वजह से राजस्थानी संगीत, नृत्य, राजस्थानी परिधान और राजस्थानी संस्कृति सात समंदर पार लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। ये वो पुराने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम पुराने जमाने में अपने घरों में देखा करते थे, संगीत आज भी वही मधुरता लिए हुए होता है। वाद्य यंत्र नया या पुराना doesn't make any difference. That is how they're getting ready, and I suppose all of you will get absolutely ready. So just hang on to your hat, ladies and gentlemen. In next few minutes, these melodious singers will definitely come up with something very, very melodious to make your this lovely evening even better. बेला किसको समरिए, बेला किसको समरिए, किस काली जैला मात पिता गुरु अपना अलग पुरुष का नाम, मात पिता फेर मले
लख चौरासी रे मां गुरु सेवा बंद की ए नहीं मले वारंबार सुर सती माता सुर दीदी है सुर सती माता सुर दीदी है गणपत दीदे ज्ञान बजरंग बल दीजे सतगुरु दीजे श्याम महेश राम जी। ये है राजस्थानी संगीत की खूबसूरती अपनी सादगी के साथ में। दो तंबूरे दो चीजें एक ढोलक एक हारमोनियम और राजस्थान की सांस्कृतिक खूबसूरती बस इतना चाहिए। धन्यवाद महेश राम जी आप इन मंच माध्यम पधार्यार मारी इन राजस्थान की खूबसूरती सु आज अठे पधारोड़ा सगला ने परिचित करवायो। लेन जेंटमन जय हो। गेट रेडी फॉर समथिंग वेरी स्पेशल कमिंग टू यू This beautiful evening that we all have been waiting for a pretty long period of time. अब हम चलते हैं उन खूबसूरत पलों की तरफ। हमारे आज के मुख्य कार्यक्रम का आगाज आप जानते हैं हिंदुस्तान में ये जो कार्यक्रम यहां पर हो रहा है 7 कल्चरल जोन्स में बंटने के बाद में पुनः एकत्र हुआ यहां बीकानेर की इस खूबसूरत सांस्कृतिक धरा पर। आज की हमारी पहली मेहमाने खुसूसी हैं पद्मश्री गीता चंद्रन। यू मस्ट हैव हर्ड दिस नेम मेनी टाइम्स। अगर भरतनाट्यम का जिक्र होगा तो पद्मश्री गीता चंद्रन का जिक्र भी होगा। आपने आज के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अपनी संगत में जिन कलाकारों को शुमार किया है उनमें नट्टू वांगम वरुण राजशेखरन गायन है के वेंकटेश्वरन का मृदंगम है मनोहर बालाचंद्रन का वायलिन है आर राघवेंद्र प्रसाद का और लाइट का संचालन है मिलिंद श्रीवास्तव का। पद्मश्री गीता चंद्रन आज यहां आपके समक्ष जो लेकर के आ रही हैं वो है मीराबाई सूरदास एवं होली का आगमन। गीता चंद्रन भरतनाट्यम की न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी एक जानी मानी कलाकार हैं। हिंदुस्तान के इस कला का परचम सारी दुनिया में फहराने के बाद में आप दिल्ली में अपना एक संस्थान चलाती हैं और आज के इस कार्यक्रम में इनकी शिष्याएं जो इनके साथ में यहां मंच पर परफॉर्म करने वाली हैं उनमें है माधुरा बुसुंडी कावेरी मेहता सुमैया नारायणन आनंदिता नारायणन और यादवी शक्तर मेनन। पिछले 4-5 दिनों से अपनी राजसी मेहमान नवाजी के लिए सारी दुनिया में जाने जाने वाला यह शहर बीकानेर संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक खूबसूरती को सहेज करके आप सबको
यहां पर रोमांचित कर रहा है, आनंदित कर रहा है, मंत्रमुग्ध कर रहा है। और कला प्रेमी बीकानेर के नागरिक, ये छोटी काशी के रूप में जाने जाने वाला शहर, ये हजार हवेलियों का शहर, ये जागती रातों का शहर, ये अलमस्त लोगों का शहर, पिछले 4-5 दिनों से शाम का ये बड़ा खूबसूरत वक्त जो हम हिंदुस्तान के बेहतरीन कलाकारों के साथ में बिताते हैं, whenever we go back to our memory lane, we would always cherish these beautiful moments. राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव, भारतीय सांस्कृतिक विरासत का यह उत्सव है, 25 तारीख से शुरू होकर के 5 मार्च सन 2023 तक। हमारी पहले से समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को और मुखर होने का अवसर दे रही है। स्थानीय कलाकार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों के साथ में मिलकर के जो एक्सपोजर ले रहे हैं, आगे आने वाले कुछ वर्षों में निसंदेह यहां के कलाकार इस खूबसूरत अनुभव को अपने साथ लेकर के सारी जिंदगी आगे बढ़ते रहेंगे। As the things are getting ready, they need to prepare a lot of things. Performing on the stage has never been an easy thing. Getting into groove, तत्त्वं तगतं किटतगत जुणुतं तगजुणुतं तत्तज्जं तत्तज्जं तज्जुणुतं तगजुणुतं तत्त्वं तगतं किटतगत जुणुतं तगजुणुतं तत्तज्जं तत्तज्जं तज्जुणुतं तगजुणुतं तत्त्वं तगतं किटतगत जुणुतं तगजुणुतं तत्तज्जं तत्तज्जं जोरदार तालियां बजा दीजिए। पद्मश्री गीता चंद्रन, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वाज प्रीटी श्योर यू वर नॉट एबल टू टेक योर आईज अवे व्हेन द परफॉर्मेंस वाज बीइंग डन हियर ऑन द स्टेज। और अब मंच पर परम आदरणीय श्री अर्जुन राव जी मेघवाल साहब और श्रीमती किरण सोनी गुप्ता साहिबा डायरेक्टर। Small token of love and affection, this felicitation. You would always cherish these beautiful memories and this memorabilia that is being given. Ye Bikaner Shahar, main पद्मश्री मालिनी अवस्थी साहिबा से निवेदन करना चाहूंगा कि वो भी मंच पर पधारें। पद्मश्री मालिनी अवस्थी साहिबा, पद्मश्री मालिनी अवस्थी साहिबा, ये खूबसूरत क्षण है
और मेरा निवेदन है आप सबसे कि कहीं जाइएगा मत। मालिनी जी जब मंच पर होती हैं तो एक अलग छटा होती है और आप सभी मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो जाएं। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मालिनी अवस्थी। द सिटी ऑफ बीकानेर इज एब्सोल्युटली प्राउड टू हैव दीज टू गॉर्जियस लेडीज हियर ऑन द स्टेज। ये एक छोटा सा तोहफा बीकानेर शहर की तरफ से आपके लिए, इन खूबसूरत स्मृतियों को सदैव आप संजो करके रखेंगे और बीकानेर आज की इस खूबसूरत शाम को हमेशा याद रखेगा आपकी इस बेहतरीन उपस्थिति की वजह से। मैं इसी क्रम में अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा बसंत ओझा को। बसंत ओझा जिन्होंने नाक से बांसुरी बजाई थी, बीकानेर के कलाकार हैं। बसंत ओझा अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच पर आए। और बसंत ओझा के बाद में रविंद्र सिंह, बड़ी खूबसूरत गजल गाई थी इन्होंने, सीकर से आए हैं श्री रविंद्र सिंह। श्री लियाकत जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आ जाएं। और श्री मुरारी लाल पारीक, राजस्थान का वो बेहतरीन नगीना जिसके 1 करोड़ से ऊपर फॉलोवर्स हैं और राजस्थानी भाषा के संवर्धन में जो काम कर रहे हैं बेहतरीन है, श्री मुरारी लाल पारीक। श्री महेश राम मेघवाल, महेश राम जी, और श्री सुनील कुलकर्णी साहब। श्री सुनील कुलकर्णी साहब, सुनील जी बड़ी बेसब्री से हम सब आपका इंतजार कर रहे थे, अब आप सुनील जी को अब हम मंच सौंपते हैं और लुफ्तंदोज होते हैं इनकी बेहतरीन गायकी से। आओ सा, और राजस्थानी री गायोड़ी ए ख्याल ए मीठा भजन। आज रैण दौर में जठे राजस्थानी भाषा वास्ते सब प्रयासरत है, आप रो प्रयास। आदरणीय मंत्री महोदय जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, मंत्री महोदय ने बीकानेर को ये जो खूबसूरत तोहफा दिया है, नहीं मैं कोई मैं बीच में ऐसे ही आया हूं। हमारे किशोर सर बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। मालिनी जी के बारे में एक चीज बताना चाहता हूं कि एक तथ्य जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम या उससे पहले जो युद्ध हुए उसमें महिलाओं ने भी भावनात्मक रूप से भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया, उसका एक गीत है वो आप सब सुन के जाना, पिया चलूं तुम्हारे संग जंग में पकड़ूंगी तलवार। ये बहुत शानदार एक, यही है ना, प्रीतम प्रीतम चलूं तुम्हारे संग जंग में पकड़ूंगी तलवार। आप प्रीतम अकेले क्यों जा रहे हो युद्ध लड़ने, मैं भी जाऊंगी। ये जो भाव है ये कहीं गुप्त हो गया था या थोड़ा गायब हो गया था या थोड़ा धुंधला पड़ गया था, ये मालिनी जी ने बहुत तेजी से उसको उभारा है। हमने दिल्ली में देखा, लखनऊ में देखा, बहुत शानदार प्रस्तुति मालिनी जी अवस्थी की रहने वाली पद्मश्री जी की। अभी हमारे सुनील कुलकर्णी जी, ये भी बहुत शानदार कलाकार हैं, महाराष्ट्र से आए, जोरदार ताली के साथ इनका भी आप स्वागत करें, सुनील कुलकर्णी जी का बोल।
पिछले 4-5 दिनों से बीकानेर की शामें बड़ी खूबसूरत हो रही हैं, ठंडी बयार बह रही है और संगीत के इस सागर में गोते लगाते हुए हम भावा विभोर हो रहे हैं। कौन भूल सकता है कल की शाम को जब हंसराज हंस ने यहां पर समा बांधा था। आज भी सुनील कुलकर्णी महाराष्ट्र से बीकानेर के इस धरा पर आए हैं। महाराष्ट्र से राजस्थान का सफर और आज की ये खूबसूरत शाम आप अपनी स्मृतियों में सदैव संजो करके रखेंगे। कितना भाग्यशाली है बीकानेर, पूरे देश को आप एक मंच पर देख पा रहे हैं। यहां के कलाकार जिन्हें सीखने का बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है और कौन जानता है भविष्य में यही बेहतरीन कलाकार हिंदुस्तान की इस शानदार सांस्कृतिक धरोहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे और उसमें आज का ये दिन विशेष महत्व का है जब दो बेहतरीन महिलाओं ने आज मंच पर एक साथ फेलिसिटेशन लिया। एक ने परफॉर्म किया, एक अभी थोड़ी देर में परफॉर्म करने वाली हैं और मंत्री महोदय बता रहे थे कि आप अपनी आंखें मंच से हटा नहीं सकेंगे, वो इतनी सशक्त परफॉर्मर हैं। बीकानेर और इसके आसपास का इलाका बहुत सारी वजहों से जाना जाता है जिसमें हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा होली का ये अवसर है और पुराने परकोटे में जहां पर अलग अलग रम्मतें, ख्याल और बहुत सारी गतिविधियां पूरे इस शहर को एक तरीके से रंगमय बना रही है और ऐसे में आज ब्रज की ये फूलों की होली भी यहां पर हमें देखने को मिली। कृष्ण का तो यही एक जादू है, कृष्ण मंत्र मुक्त कर देते हैं और ऐसा ही मंत्र मुक्त करने का काम बस अब से थोड़ी देर में हमारे बीच में सुनील कुलकर्णी करने वाले हैं। ये 25 फरवरी से 5 मार्च तक का समय विशेष रूप से बीकानेर के युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है जहां उनको एक्सपोजर मिल रहा है, जहां वो हिंदुस्तान को समग्र रूप से यहीं एक साथ मंच पर देख पा रहे हैं। इतने बड़े कलाकारों को अपने समक्ष प्रस्तुति देते हुए देखना रोमांचित कर देने वाला होता है और ये हमारे लिए बड़ी प्रेरणा लेकर के आएगा। मौसम इसमें अपनी शिरकत दर्ज करवा रहा है। दिन बहुत गर्म होता है लेकिन शाम बड़ी सुहानी होती है और ये ठंडी बयार जो यहां बह रही है संगीत के साथ में मिलकर के मदहोश कर देने वाला सा परिवेश बन जाता है। आप सबकी इस बेहतरीन उपस्थिति से हर व्यक्ति यहां एक अलग तरीके के उत्साह से विभोर हो रहा है। धीरे धीरे हम कार्यक्रम के उस दौर में चल रहे हैं जहां हमारी धड़कने बढ़ने वाली हैं और इस क्रम में सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा सुनील कुलकर्णी साहब से। आदरणीय मेघवाल सर को प्रणाम करके मैं मेरा प्रस्तुतिकरण शुरू करता हूं। शहाना कानाडा, इसमें छोटी छोटी दो बंदिशें गाता हूं। आवाज बढ़ा
मोरे आ ए मोरे आल या कोवा